जनवरी के महीने का पूरा डाटा आ चुका है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर कहाँ सबसे ज्यादा पैसा लगा रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। जनवरी के महीने में क्या क्या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को लेके हुआ है उसका विश्लेषण आपके सामने मैं रखूंगा। अगर देखा जाए तो 28% अगर मैं दिसंबर के मंथ से कंपेयर करूं इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड जो ओपन एंडेड स्कीम्स हैं उसका अगर मैं टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो जनवरी में 28% यहां पे इन्वेस्टमेंट में तेजी देखने को मिली। दिसंबर के महीने से जनवरी के मंथ में यहां पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा आया हुआ है। यही नहीं SIP के जरिए अगर मैं बात करूं तो 18,838 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है और जनवरी के महीने में 28 लाख नए SIP अकाउंट ओपन हुए। ये तो रहा डाटा, मैं वन बाई वन आपके सामने इन्फॉर्मेशन रखूंगा कि इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में ओपन एंडेड स्कीम्स में जनवरी के महीने में इन्वेस्टर का झुकाव कहाँ रहा, मल्टी के फंड में, स्मॉल के फंड में, मीड के फंड में, लार्ज के फंड में, आखिर कौन सा कैटेगरी है जहां पे इन्वेस्टर का विश्वास जनवरी के महीने में सबसे ज्यादा बढ़ा है। हम डेप्थ कैटेगरी के फंड पे भी नजर डालेंगे कि एक्चुअली में पैसा यहां से ज्यादा निकला है या फिर ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है। इंडेक्स फंड और हाइब्रिड फंड्स पे भी हम देखेंगे कि डाटा क्या कहता है। चलिए वीडियो का विश्लेषण स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सलूशन चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पूरा डिटेल चेक करें और डिटेल के बेसिस पे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यही नहीं, अगर आप लमसम का एडवाइस लेना चाहते हैं, एक ऐसा समय जहां से आपको मार्केट ज्यादा रिटर्न दे, एक ऐसा समय जहां से आपका पैसा बनने का ज्यादा चांस हो, जी हाँ, जब आप लमसम करते हैं तो काफी कंफ्यूज होते हैं कब लमसम करें, तो हम आपको एडवाइस करेंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके और व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले अगर मैं डाटा रखूं तो मैं इंडेक्स फंड से स्टार्ट करता हूं। इंडेक्स फंड में अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट जनवरी के महीने में 2,987 करोड़ का पॉजिटिव नेट इनफ्लो देखने को मिला है, मतलब यहाँ पे टोटल पैसा आता हुआ देखने को मिला है। अगर मैं गोल्ड ETF में देखूँ तो 657 करोड़ का यहाँ पे टोटल नेट इनफ्लो देखने को मिला है, पॉजिटिव नेट इनफ्लो है ये। अदर ETF की बात करूँ तो 571 करोड़ का यहाँ पे पॉजिटिव नेट इनफ्लो है। फंड ऑफ फंड इन्वेस्टिंग ओवरसीज की बात करूँ तो 233 करोड़ का यहाँ पे निकासी देखने को मिला है। अगर मैं यहाँ पे टोटल फिगर देखूँ तो ऑलमोस्ट 3,982 करोड़ का पॉजिटिव नेट इनफ्लो है। चलिए अब हम हाइब्रिड पे यहाँ पे शिफ्ट होते हैं कि हाइब्रिड का डाटा क्या कहता है, पॉजिटिव डाटा है या नेगेटिव डाटा है। जनवरी के महीने में अगर मैं डाटा देखूं तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में यहाँ पे 47 करोड़ का पॉजिटिव नेट इनफ्लो देखने को मिला है। बैलेंस हाइब्रिड फंड, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड की बात करूं तो 447 करोड़ का पॉजिटिव नेट इनफ्लो है। डायनेमिक एसेट एलोकेशन बैलेंस एडवांटेज फंड की बात करूं तो 1,339 करोड़ का यहाँ डाटा दिख रहा है। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में 7,000 करोड़ के ऊपर का डाटा है और आर्बिट्रेज फंड में 10,000 करोड़ के ऊपर और इक्विटी सेविंग फंड में यहाँ पे 1,113 करोड़ का पॉजिटिव नेट इनफ्लो है। कुल मिला के अगर मैं हाइब्रिड पे फोकस करूं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो पैसा आता हुआ देखने को मिला है जनवरी के महीने में आर्बिट्रेज फंड में। टोटल अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो यहाँ पे 20,636 करोड़ का पॉजिटिव नेट इनफ्लो है। यहाँ पे पैसा ज्यादा लगता हुआ देखने को मिला है अगर मैं पिछले 3 महीने का डाटा देखूं। देखो, मैं आपके सामने इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स का भी डाटा रखूंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपके सामने डेप्थ फंड्स का डाटा रखना चाहता हूं। अगर मैं डेप्थ फंड्स की बात करूं तो देखो, पिछले मंथ यहां पे काफ़ी अच्छा नहीं रहा डेप्थ फंड्स में, लेकिन अगर मैं इस मंथ का, जनवरी के मंथ का टोटल अगर मैं देखूं तो यहां पे पॉजिटिव नेट इनफ्लो देखने को मिला है। सबसे ज़्यादा जो पैसा आता हुआ देखने को मिला है, जी हाँ, लिक्विड फंड में यहाँ पे 49,000 करोड़ का पॉजिटिव नेट इनफ्लो है। अगर मैं निकासी की बात करूँ तो यहाँ कुछ एक फंड है जिसमें निकासी सबसे ज़्यादा देखने को मिला है, जैसे कि क्रेडिट रिस्क फंड में यहाँ पे 302 करोड़ का नेगेटिव नेट इनफ्लो है और बैंकिंग एंड PSU फंड में 501 करोड़ का 90% कैटेगरी में यहाँ पे पॉजिटिव नेट इनफ्लो है, जैसे कि ओवरनाइट फंड में यहाँ पे 9,000 करोड़ का पॉजिटिव नेट इनफ्लो है। अगर मैं अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड की बात करूँ तो 2,936 करोड़ का पॉजिटिव नेट इनफ्लो है। लो ड्यूरेशन फंड में यहाँ पे आप देख सकते 1,116। वैसे ही अगर आप शॉर्ट ड्यूरेशन फंड की बात करूँ तो यहाँ भी निकासी देखने को मिला है। मीडियम ड्यूरेशन फंड में भी निकासी देखने को मिला है। मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड की बात करूं तो 19 करोड़ का यहां पॉजिटिव नेट इनफ्लो है। लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में यहां 582 करोड़ का, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में 1,301 करोड़ का। ऐसे ही अगर आप देख सकते हो, फ्लोटर फंड में 1,221 करोड़ का पॉजिटिव नेट इनफ्लो देखने को मिला है। कुल मिला के ये डाटा पॉजिटिव है। अगर जनवरी के मंथ की बात करूं तो हाइब्रिड में हमें पॉजिटिव डाटा देखने को मिला, इंडेक्स जो अदर ETFs हैं उसमें भी हमें पॉजिटिव डाटा देखने को मिला, डेप्थ कैटेगरी में भी हमें पॉजिटिव डाटा देखने को मिला। अब हम इक्विटी पे शिफ्ट होते हैं, इक्विटी का डाटा क्या कहता है।
अगर देखा जाए तो इक्विटी में सबसे ज्यादा पैसा जनवरी के महीने में कहां लगता हुआ देखने को मिला है। आंकड़ा रखूं तो आप देख सकते हो सबसे ज्यादा जो पैसा यहां पे लग रहा है वो सेक्टर और थीमेटिक्स फंड है। यहां पे 4,804 करोड़ का पॉजिटिव नेट इनफ्लो है। अगर मैं दूसरे नंबर पे डाटा देखूं तो यहां पे जो दिख रहा है वो स्मॉल कैप फंड कैटेगरी है। अगर देखा जाए तो लगातार 3 या 4 महीने से स्मॉल कैप में पैसा सबसे ज्यादा लगता हुआ देखने को मिला था। लेकिन अगर मैं जनवरी की बात करूं तो जनवरी में यहां पे थीमेटिक और सेक्टर में सबसे ज्यादा इन्वेस्टर ने फोकस किया है। और करे भी क्यों ना, अगर देखें तो कई ऐसे एनएफओ आए हैं जिससे यहां कलेक्शन ज्यादा देखने को मिला है। अगर देखो मैं 1 by 1 डाटा आपके सामने रखूं, जैसे कि मल्टी के फंड की बात करूं 3,038 करोड़ का पॉजिटिव नेट इनफ्लो है। लार्ज के फंड में 1,287 करोड़। कुछ महीनों का आंकड़ा देखूं तो लार्ज कैप में निकासी हुआ था लेकिन इस मंथ में हमें पॉजिटिव आंकड़ा देखने को मिल रहा है। इट मींस कि हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टर का कुछ झुकाव लार्ज कैप की तरह जनवरी के महीने में ज्यादा देखने को मिला है। वैसे ही अगर मैं आपके सामने मिड कैप फंड की बात करूं तो यहां 2,061 करोड़ का पॉजिटिव नेट इनफ्लो है। डिविडेंड यील्ड फंड में 381 करोड़ का पॉजिटिव नेट इनफ्लो है। वैल्यू फंड कॉन्ट्रा फंड में 1,842 करोड़ का। सेक्टर थीमेटिक्स फंड्स ऑलरेडी मैंने बता दिया। ईएलएसएस में 532 और फ्लेक्सी कैप में 2,447 करोड़ का पॉजिटिव नेट इनफ्लो है। अगर मैं निकासी की बात करूं कि यहां पे इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में ओपन एंडेड स्कीम में निकासी कहां हुआ है जनवरी के महीने में, तो आंकड़ा आपके सामने है। ये देख सकते हो फोकस्ड फंड में यहां पे थोड़ा सा विश्वास इन्वेस्टर का कम रहा है, 201 करोड़ का नेगेटिव नेट इनफ्लो है। टोटल में अगर इस आंकड़ों को ऐड करूं तो 21,780 करोड़ का पॉजिटिव नेट इनफ्लो देखने को मिला है, जो कि अगर मैं दिसंबर के मंथ से कंपेयर करूं तो 28% ज्यादा है। और ये जो आंकड़ा है पिछले 35 महीने को यहां पे ब्रेक किया, पिछले 35 महीने का 2022 मार्च से अगर मैं कंपेयर करूं तो ये सबसे ज्यादा जी हाँ इनफ्लो देखने को मिला है इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में। ओपन एंडेड स्कीम्स की बात कर रहा हूँ, 21,780 करोड़ के करीब में। अब देखो कुछ पहलू पे आपको नजर रखना पड़ेगा। इन्वेस्टर का विश्वास लार्ज कैप पे धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है स्मॉल कैप से मिड कैप से, क्योंकि देखो मार्केट जब रुख बदलता है, अगर आप जनवरी के महीने में देखोगे तो थोड़ा सा मार्केट में दबाव था, गिरावट देखने को मिला था, और ऐसी स्थिति में इन्वेस्टर वहां पे कुछ पैसे को रोक के इट मींस कि या तो लिक्विड फंड में या तो डेब्ट फंड में या फिर लार्ज कैप में शिफ्ट किए हैं। तो यहाँ पे स्मॉल कैप का इन्वेस्टमेंट जनवरी के मंथ में कम होता हुआ देखने को मिला। लेकिन आने वाले समय में डाटा भी चेंज हो सकता है, आने वाले समय में मार्केट का रुख जैसा होगा इन्वेस्टर का खिंचाव भी वैसा ही देखने को मिलेगा। फिलहाल इन आंकड़ों से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी भी इन्वेस्टर का विश्वास इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में काफी ज्यादा है, और खास करके अगर मैं बात करूं मल्टी कैप मिड कैप और स्मॉल कैप और सेक्टर और थीमेटिक्स फंड्स में यहाँ पे पैसा सबसे ज्यादा लगता हुआ देखने को मिला है। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर आए। आने वाले समय में बहुत सारी वीडियो लेके आऊंगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तभी स्टार्ट करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।